अच्छा नहीं देंगे। प्रिय भक्त गणों, मैं आपकी गुरु रुक्मिणी, आपकी गुरु, आपकी माँ, आपकी गाइड, आपका स्वागत करती हूँ हमारे आज की इस कार्यक्रम में। भगवान श्री शनिदेव को नमन करते हुए आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते। हमारे भारत में बच्चा बच्चा इस बात को जानता है, यदि बिल्ली दिख जाए, बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो अपशगुन होता है। लेकिन क्या सच में बिल्ली का दिखना अपशगुन है? क्या सच में बिल्ली मौसी बहुत खतरनाक है? क्या बिल्ली हमें हमारे आसपास आकर के कोई संकेत दे रही है? तो वो सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए अंत तक इस वीडियो को देखना मत भूलिए। अगर आपने हमारे ये चैनल गुरु रजनीश ऋषि जी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन भी दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। 15 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स यूट्यूब चैनल के हो गए हैं, तो आप भी हमारे इस परिवार का हिस्सा अवश्य बने। मैंने सुना है एक दिन एक बिल्ली अपने बच्चे के साथ जा रही थी। वो दूध पीने अपने बच्चे को ले जा रही थी कि रास्ते में अचानक से वो रुक गई। घबराते हुए अपने बच्चे को बोली, अरे बेटा अब हम यहाँ से दूध पीने नहीं जाएंगे, हम दूसरी जगह से जाएंगे। बिल्ली का बच्चा बहुत हैरान हुआ, बोला मम्मी क्यों, यहाँ से सीधा सीधा जाकर के ही तो दूध मिलता है। बिल्ली ने कहा, अरे पागल तूने देखा नहीं, सामने से एक आदमी ने हमारा रास्ता काट दिया। ये व्यंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम इस पृथ्वी पर रहते हैं और इस पृथ्वी पर हमारे साथ साथ बहुत सारे जीव रहते जिसमें से एक बिल्ली मौसी भी है, तो इसलिए आपका और बिल्ली का आमना सामना तो होता ही रहेगा। तो इसलिए यदि किसी ने बिल्ली आपके आस पड़ोस में पाल रखी है और वो आपको दिख जाती है तो उसका कोई अर्थ नहीं। अगर बिल्ली आपको अचानक से कहीं दिख जाती है तो उसका भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उसने भी इस धरती पे रहना है और आपने इस धरती पे रहना है, तो कभी ना कभी आमना सामना तो हो ही जाएगा। तो इसलिए मैं उन सभी अंधविश्वासों का खंडन करती हूँ जो ये सोचते हैं कि कभी गलती से यदि बिल्ली दिख जाए तो हमारा अपशगुन हो गया, हमारा बुरा होने वाला है, हमारा बुरा समय आ गया। ऐसा अंधविश्वास हमें नहीं पालना चाहिए। हाँ, बिल्ली के संकेत क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो अगर ज्योतिष के अनुसार हम बात करें, बिल्ली दिखने का मतलब है कि हमारे ऊपर राहु की दशा चल रही है। बहुत सारी बिल्लियां आपको दिख रही हैं। इसमें भी कहूंगी ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई एक आधी बिल्ली आपको दिख गई तो आप उस बात को सोच सोच के परेशान हो जाए। अगर आपको बहुत सारी बिल्लियां यानी बहुत अलग अलग जगह पे आप जा रहे हैं लेकिन बार बार बिल्लियां आपको दिख रही, और जरूरी नहीं है केवल काली हो, किसी भी रंग की हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है, और आपको नई नई जगहों पर जहां आप जा रहे हैं हर जगह कहीं ना कहीं कोई बिल्ली आपको दिख ही जाती है, इसका ये अर्थ है कि राहु की दशा आपकी चल रही है। राहु महाराज की अंतर्दशा हो सकती है, 18 साल की महादशा भी हो सकती है, हो सकता है गोचर में वो आपके ऊपर इस समय आ रखे हो, या हो सकता है प्रत्यंतर दशा आपकी चल रही हो राहु की। इसके कारण आपको बिल्लियां दिखाई दे रही, क्योंकि बिल्लियां जो है वो राहु से संबंध रखती है, और अगर बार बार बिल्लियां दिखाई दे रही है तो निश्चित जानिए राहु का समय आपके ऊपर चल रहा है। अगर कुंडली निकाल करके भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको राहु की स्थिति दिखी जाए, और राहु जी महाराज इन बिल्लियों के माध्यम से आपको संकेत दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं समय ऐसा आया है जहां रुकावट आएगी। अगर बिल्लियां आपको दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ऐसा समय आपके ऊपर चल रहा है जहां आपके कार्यों में रुकावट आएगी। आपका काम ठहर ठहर के होगा, रुक रुक के होगा, बहुत ही ज्यादा मध्यम गति से होगा, और हो सकता है उसमें अड़चने भी आ जाए। तो ऐसी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। राहु जी महाराज के कुछ घरेलू उपाय हम कर सकते हैं, या फिर एक मंत्र सिद्ध करके गोमेद की अंगूठी हम धारण कर सकते हैं। गोमेद की अंगूठी धारण करते हुए केवल हमने अपनी लगन और राशि का विशेष ख्याल रखना है कि हमने किस रंग का, किस कलर का, किस रत्ती का और किस धातु में हमने इसे धारण करना है, क्योंकि गोमेद आप सोने में भी धारण कर सकते हैं तो आप चांदी में भी धारण कर सकते हैं। तो ये देखना पड़ेगा आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी लगन और आपकी राशि के हिसाब से कि कौन सा कलर का गोमेद कितने वजन का आपको सूट करता है। उसके अनुसार यदि आप गोमेद रत्न धारण करें, 3 साल तक ये रत्न चलता है, आपको फल देगा, 3 साल बाद उसको चेंज कर लेना चाहिए। तो अगर 18 साल की राहु की महादशा आपके ऊपर चल रही है तो उस स्थिति में हर 3 साल बाद चेंज करके गोमेद को धारण करना चाहिए।
इससे आपके कार्यों में यदि रुकावटें आ रही हैं, तो उसमें आपको राहत मिलेगी, आपके काम अटकेंगे नहीं, उसमें अड़चन नहीं आएगी। वैसे तो गोमेद कोई बहुत ज्यादा महंगा रत्न नहीं है, अगर फिर भी आप गोमेद रत्न को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में राहु जी महाराज का जो बीज मंत्र है उसका जाप आप कर सकते हैं रोजाना 108 बार, लेकिन शाम के समय ही इनका जाप किया जाता है। ओम श्री राहवे नमः करके जाप कर सकते हैं, या फिर तांत्रोक्त बीज मंत्र ले सकते हैं, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। जब भी रस्ते में ऐसे समय में आपको बिल्लियां दिखाई दें या बिल्ली दिखाई दे, तो मन ही मन राहु जी महाराज को सुमिरन करें, उनको प्रणाम करें और अपने काम की ओर बढ़ जाएं, तो ऐसा करने से भी काम में रुकावट नहीं आती है। बिल्ली दिखने के और कौन से 11 संकेत होते हैं, चलिए जानते। तो सबसे पहले मैं आपको 6 वो संकेत बताने जा रही हूँ जो कि बिल्ली के अशुभ संकेत माने जाते हैं। सबसे पहला संकेत तो ये है, अगर बिल्ली आप पालते हैं तो लोगों के मत अनुसार बिल्ली को पालना अशुभ माना जाता है। बिल्ली को वैसे तो आप तभी पाल सकते हैं जब राहु जी महाराज आपके घर के स्थान पर बैठे हैं, और ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है कि निरंतर उनके काम जो है वो रुकते हैं, उनके घर में बीमारियां अधिक होती हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी से ग्रसित रहे, तो इसलिए बिल्लियों को पालने से बचना चाहिए, बिल्लियों को घर में पालने से बचना चाहिए। अगर बिल्लियां आपको दिखाई देती है लड़ती हुई या उनकी आवाज सुनाई देती है लड़ती हुई, तो भी वो अशुभ संकेत माना जाता है। ऐसे में अगर बिल्लियां लड़ रही है, आपको सुनाई दे रहा है या दिखाई दे रहा है, तो उस समय के आसपास कहीं ना कहीं उस संकेत दे रहे हैं कि आपका किसी से झगड़ा होने वाला है, इसलिए व्यक्ति को ऐसे में सतर्क हो जाना चाहिए। अगर आपको बिल्ली का रोना सुनाई दे, बिल्ली अगर रो रही है आपके सामने या आपको उसका रोना सुनाई दे रहा है, तो ये भी बहुत अशुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं किसी ना किसी व्यक्ति की जब मृत्यु आती है, उसका समय खराब आता है या काल उसके द्वार पे होता है, तभी बिल्ली रोती है। अगर आप सो रहे हैं और बिल्ली अचानक से आकर के आप पर गिर जाती है, तो इसको भी संकेत माना जाता है कि आपकी आयु कम हो रही है। तो ऐसे में भी व्यक्ति को बहुत सतर्क रहना चाहिए और राहु जी महाराज के जाप पूजा पाठ इत्यादि को प्रारंभ करना चाहिए। अगर आप नए काम के लिए जा रहे हैं, कुछ नया करने जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी बिजनेस की मीटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी नई नौकरी के लिए जा रहे हैं, पैसे का कोई काम करने जा रहे हैं, या विवाह का प्रस्ताव देखने जा रहे हैं, या कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, और उस समय आपको काली बिल्ली रास्ता काट जाए, तो समझना चाहिए कि आपके काम में अड़चन आएगी। अगर बिल्ली किसी व्यक्ति को पंजा मार दे, तो उसका संकेत होता है कि घर के बच्चों पर कोई कष्ट आने वाला है, नाती पोतों पर या बच्चों पर कोई कष्ट है, कोई हानि बीमारी आ सकती है, इसलिए आप बच्चों का ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। अब बात करते हैं वो 5 संकेत जो कि बिल्ली दिखने से शुभ माने जाते हैं। अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और कोई बिल्ली आपको आती हुई या जाती हुई दिखती है और उसके मुंह में कोई मांस का टुकड़ा है, उसका कोई खाना है, तो इस बात को ये माना जाता है कि आपके लिए शुभ संकेत है, आपका जो कार्य है वो अवश्य ही सफल होगा। अगर आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, नए काम के लिए जा रहे हैं, और आपको जाते समय बाईं ओर अपने लेफ्ट साइड पर बिल्ली दिखती है, तो भी इसे शुभ शगुन माना जाता है, अच्छा संकेत माना जाता है। अगर बिल्ली आपके घर में बच्चे देती है, तो ये भी बहुत शुभ शगुन है, इससे आपके बच्चों की, घर के बच्चों की जो आयु है वो और बढ़ती है, सुख सौभाग्य के घर भी बढ़ता है। अगर दिवाली की रात बिल्ली आपके घर आती है, तो इसे बहुत ही शुभ शगुन माना जाता है, माना जाता है कि माता लक्ष्मी स्वयं चल के आपके घर आ रहे हैं और आपको पूरे वर्ष धन की वर्षा करेंगी। अगर दिवाली के दिन या दिवाली की रात, छोटी दिवाली से लेकर के बड़ी दिवाली की रात्रि तक इस शगुन को माना जाता है कि अगर बिल्ली स्वयं आकर के आपके घर में दूध पी जाए, तो ये भी बहुत अच्छा संकेत है, माता लक्ष्मी आप पे प्रसन्न हुई है और आपको आने वाले समय में धन और ऐश्वर्य से वो भर देगी। तो ये है वो 11 संकेत जो बिल्ली हमें प्रदान करती है।
इसके अतिरिक्त यदि जीवन में आपको कोई समस्या है, किसी भी प्रकार की कोई बाधा आ रही है, कोई अड़चन आ रही है या राहु की कोई दशा आपको सता रही है, तो आपकी स्क्रीन पर हमारे नंबर रहते ही हैं। हमारे शनिपीठ मंदिर के नंबर आपके पास हैं। जब भी आप चाहें 11 बजे से 7 बजे के बीच में आप उस पर फोन लगाइए, हमसे बात करने के लिए या गुरु जी से बात करने के लिए एक अपॉइंटमेंट लीजिए और अपनी कुंडली दिखवाइए और उस कुंडली का विश्लेषण करके सटीक और सही उपायों को जाने और उसे करने से अपने जीवन को अवश्य ही बदले। हमारे द्वारा ये जो कुंडली देखी जाती है उसमें एक छोटी सी फीस आपसे चार्ज की जाती है, जो कि हमारे शनिपीठ मंदिर के संचालन के काम आती है। जो अन्य काम हम करते हैं, आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियोस लेके आते हैं या धार्मिक कार्यक्रम जो हम करते हैं, यज्ञ पूजा पाठ इत्यादि का, उन सभी चीजों में ये प्रयोग की जाती है। साथ ही हर मंगलवार शनिवार जो प्रसाद वितरण किया जाता है गरीबों में, जो समय समय पर लंगर सेवा इत्यादि होती है, उस समय ये प्रयोग की जाती है। जो हम गरीब लड़कियों को कंप्यूटर एजुकेशन देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर सिखाते हैं, उस सब के लिए प्रयोग की जाती है। और साथ ही आने वाले समय में हमारा जो शनि और नवग्रह आश्रम बनने जा रहा है, उस सभी के लिए ये फीस प्रयोग की जाएगी। आप सभी को अपना आशीर्वाद देती हूँ। ईश्वर आपके जीवन में सभी विपदा और बाधाओं को हटाए, दूर रखें, ऐसी मनोकामना करते हुए जय शनि। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।